पीएम मोदी हमेशा इन ऐसी जो लाइमलाइट से दूर रहना चाहते हैं, उनको पता है ये चीज़ क्या चीज़ प्रायोरिटी है। हाँ, उनकी मदर उनकी प्रायोरिटी थी, बट उन्होंने अपने नेशन को, नेशन और माँ दोनों को अपना अपना दर्जा दिया है, और अपनी माँ से वो बहुत प्रेम करते थे, और आज वो जो कुछ भी अपनी मदर की वजह से ही हैं। परफेक्ट इंसान कहते हैं ना इसी को, जो प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल है, और कि जो अपनी जिम्मेदारी एक योगी की तरह निभाते हैं। इससे ये पता चलता है जो अपने जो मोदी है, जो कितने देव मतलब देश के प्रति कितने मतलब अपने निष्ठा और उससे लगन से काम कर रहे हैं। ठीक है, अपनी माता जी के जाने के बाद भी अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। एक तरफ उनकी माँ है, एक तरफ उनके देश है, तो अपने देश के लिए भी और माँ के लिए भी दोनों तरफ से अपना काम कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, मोदी साहब का मुकाबला नहीं है। मैम आपका क्या नाम है? सिमाली। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? एक तरफ पीएम मोदी की मां का निधन होता है, वो कंधा देते हैं, मुखाग्नि देते हैं, और तुरंत बाद जो जनता के विकास कार्य हैं वो विकास कार्यों को भी हरी झंडी दिखाते हैं। सिंस ही इज़ पीएम मोदी, तो मोदी इसीलिए तो हमारा देश इतना सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी, क्योंकि उनकी वजह से आज जो हम हैं, जो हमारा देश है, जो आगे देश बढ़ रहा है, वो पीएम मोदी इसीलिए है। अगर और कोई राजनेता या कोई और होता तो आई एम श्योर कि वो 2-3-4 या 6 महीने की छुट्टी पे चला जाता, बट सिंस ही इज़ पीएम मोदी सो ही नोज हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड हिज नेशन। थैंक यू। और वो देखा जाए तो काफ़ी सादगी भरे अंदाज में ये जो है अंतिम संस्कार किया गया। बाकी जो मुख्यमंत्री आना चाहते थे, चाहे बीजेपी से हो चाहे बाकी जो है अलग पार्टियों से हो, उनको मना कर दिया गया कि आपकी संवेदनाएं हमें मिल गई हैं, आप जो जनता के प्रस्तावित कार्य हैं उन कार्यों को कीजिए। कैसे देखते हैं? यही कि पीएम मोदी हमेशा इन ऐसी जो लाइमलाइट से दूर रहना चाहते हैं, उनको पता है ये चीज़ क्या चीज़ प्रायोरिटी है। हाँ, उनकी मदर उनकी प्रायोरिटी थी, बट उन्होंने अपने नेशन को, नेशन और माँ दोनों को अपना अपना दर्जा दिया है, और अपनी माँ से वो बहुत प्रेम करते थे, और आज वो जो कुछ भी अपनी मदर की वजह से ही हैं। सो उनकी माता जी को भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगी, और पीएम मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनकी जो आज हम हैं, जो हमारा देश है, वो उनकी आशीर्वाद से, उनकी इतनी मेहनत की वजह से ही इंडिया इज ग्रोइंग सक्सेसफुली। थैंक यू। आखिरी कमेंट लेना चाहूँगी, यानी कि जो वो देश सेवा की बात बार बार करते हैं अपने भाषणों में, आज वो इतना भारी मन रख के, भारी दिल रख के भी वो उन्होंने एग्जाम्पल कहीं ना कहीं 140 करोड़ देशवासियों को दी। हाँ, ये तो है कि इस साल बहुत कुछ किया है पीएम मोदी ने अपने देश के लिए, और आगे भी वो करते रहेंगे। उन्हीं की वजह से मुझे लगता है हम इंडियंस इतने फ्री, इतने सेफ फील करते हैं, और उन पे पूरा भरोसा है हम सबको। एंड थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? कुछ बोलो सर। क्या नाम है आपका? प्रिंस भट्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कहाँ के रहने वाले हैं? हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हैं। अनंतनाग के रहने वाले हैं। मैं भी सर जम्मू कश्मीर से हूँ। आज पीएम मोदी के माँ के निधन के बारे में आपने एक खबर सुनी होगी, और तुरंत बाद जो है पीएम मोदी अपनी माँ को मुखाग्नि देते हैं, और जो विकास कार्य 8,000 करोड़ के जो विकास कार्य थे उनको हरी झंडी दिखाते हैं। सर, एक तरफ बेटे का फर्ज, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की ऐसी जिम्मेदारियाँ, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? प्रधानमंत्री मोदी तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी अपनी एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया हुआ है, तो वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और माँ का भी फर्ज निभाना है, वहाँ पे भी गए तो वो भी, आई थिंक ओवरऑल इट इज़ ही इज़ डूइंग वेरी गुड एंड ही हैव डन अ वेरी गुड जॉब। हमने देखा है जब ऐसे किसी फैमिली मेंबर कोई चले जाते हैं, हम सालों साल सदमे से बाहर नहीं आ पाते, या फिर ऐसे कोई पॉलिटिकल पावरफुल पर्सन हो तो वो कितने महीनों तक के अपने कार्यक्रम रद्द कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी रद्द नहीं किया, तुरंत बाद 1 घंटे के बाद ही जो है वो जनता के बीच पहुँच गए। देखिए, हर कोई चीज़ देखना होता है। प्रधानमंत्री मोदी इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन। ऐसा नहीं वो अब सदमे में रहेंगे, बिकॉज हर किसी को वहाँ जाना ही है, तो वो उस एंगल से देखना, उसको उनको देश भी चलाना है, उनको माँ का भी फर्ज निभाना है, देश भी चलाना है, सो ही हैव डन इन दैट पॉइंट ऑफ ही हैव डन अ गुड जॉब। ठीक है, धन्यवाद सर। सर आपका क्या नाम है? ना आप कैसे देखते हैं सर इस चीज़ को, एक तरफ फैमिली मेंबर का चले जाना, दूसरी तरफ जो अपनी देश के प्रति जिम्मेदारियाँ हैं वो निभा रहे हैं पीएम मोदी? एक परफेक्ट इंसान कहते हैं ना इसी को, जो प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल है, और कि जो अपनी जिम्मेदारी एक
एक योगी की तरह निभाते हैं, एक मतलब योगी की तरह अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सोम शेखर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग जयपुर से। जयपुर के रहने वाले। सर आज आपने पीएम मोदी के मां के निधन के बारे में खबर सुनी होगी और तुरंत बाद देखा होगा कि जो कोलकाता में प्रोजेक्ट लॉन्च होने थे वो उसमें भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिरकत की। कोई फैमिली मेंबर चले जाता है, सालों साल हम सदमे से बाहर नहीं निकल पाते, दूसरी तरफ वो एक घंटे के अंदर ही अपने कार्य कर रहे हैं, प्रधान सेवक जो उनको बोला जाता है वो जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। उनका तो सर कोई वही नहीं है, तोड़ ही नहीं है उनका। वो जितने सेंसिटिव हैं और जितने कर्तव्य परायण हैं टुवर्ड्स दी कंट्री, उनका मुकाबला नहीं है। और मैंने वहाँ सुना है कि शायद ममता जी डायस पे भी नहीं बैठी हैं, ये सुना किसी ने जयराम कह दिया तो डायस पे छोड़ दिया उन्होंने बैठ, जय श्री राम के नारे। हाँ, ये भी बड़ा अजीब सा ही है इनका बिहेवियर। जबकि सामने मोदी जी मौजूद थे, अभी माता का इतना बड़ा जो है गहरा दुख है और फिर भी वो लोगों के लिए वहाँ बोले। देखिए अब उन्होंने डेथ होते ही वो तो एक घंटे बाद ही मेरे ख्याल में वहाँ चले गए वापस। डेफिनेटली सर मोदी साहब का मुकाबला नहीं है। हमने देखा है कि बड़े बड़े जो है वो राजकीय समारोह किए जाते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं जब इतने बड़े किसी पॉलिटिकल पर्सन के फैमिली में कोई डेथ होती है, लेकिन ये बिल्कुल सादगी भरे जो है अंदाज से इन्होंने जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया। बिल्कुल सर, लोग तो मतलब अब डेथ होती है तो तीन तीन चार चार दिन का पूरे घोषणा कर देते हैं कि बंद करो। इन्होंने तो साहब इनका तो क्या मैंने कहा ना, बिल्कुल ये है कि शायद मेरे ख्याल में 3:45 बजे उनकी डेथ हुई है। हाँ, 3:30 बजे 3:30 बजे हुई है और वो पहुँच भी गए और आई थिंक भाई 9:10 बजे तक तो उनका 9:40 हो गया और एक घंटे पर बाद तो वो वहाँ पहुँच गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। कुछ विपक्षी लोग हैं वो इस चीज़ को भी जो है टारगेट कर रहे हैं कि देखो ये वापस आ गए अपना वो करने। विपक्षियों का तो काम ही यही है सर, वो तो उनको हर मोड़ पर सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह उनको नीचा दिखाया जाए या उनकी कोई लेग पुलिंग करी जाए। ये कि फैमिली के साथ इतना बड़ा हादसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हाँ मैम आपका क्या नाम है? वनजा शेखर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बैंग जयपुर की है, वैसे नॉर्मली ओरिजिनल बैंगलोर की हूँ। आज पीएम मोदी की मां की खबर आपने सुनी होगी, वो इस दुनिया में नहीं रही और तुरंत बाद हमने देखा कि पीएम मोदी जो कार्य हैं जो उनके प्रधानमंत्री के वो जिम्मेदारियों पर लौट गए, तो कैसे देखते हैं? एक तरफ इतना बड़ा सदमा, बेटे का भी फर्ज निभा रहे हैं साथ में देश के लिए भी जो है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो जो होना है भगवान ने जो लिखा हुआ हो जाता है, उसके लिए तो आप उसकी खुद का जो जिम्मेदारियां है उसको निभाना ज़रूरी होता है। उसकी वो तो है, दुख तो है, उसके अलावा जिम्मेदारी भी मस्ट है। हमने देखा है कि जब भी ऐसा कुछ होता है हादसा तो पॉलिटिकल पर्सन रहते हैं पावरफुल, तो कई हफ्तों तक कई महीनों तक के कार्यक्रम कैंसिल कर दिए जाते हैं, सब रद्द कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ रद्द नहीं किया गया, वो विकास कार्य जनता के लिए शुरू कर दिए गए। ये बहुत अच्छी बातें हैं, उनका काम तो बहुत ही बढ़िया है, तो उसमें हम सब तो वो तो सपोर्ट तो करते ही है, बस धन्यवाद बस। सर आपका क्या नाम है? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल जी आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, जब भी कोई फैमिली मेंबर चले जाता है किसी का भी हो तो वो कितने महीनों तक जो है बाहर नहीं आ पाते उस सदमे से, पीएम मोदी की मां की डेथ होती है 9:40 पर वो उनको मुखाग्नि देते हैं और 11 बजे फिर जनता के विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाते हैं। हाँ ये योगी पुरुष या महान पुरुष ही कर सकते, बाकी आम जनता हम उसी दुख में ही बस जमे जाते हैं। ये बड़े लोगों का ही जो संत है या ज्ञानी पुरुष वही कर सकते हैं, बाकी को आम जनता नहीं कर सकता। मैम आपका क्या नाम है? होलादार। आप क्या कहेंगे इस बारे में, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? एक तरफ माँ का चले जाना, माँ जिसका सबसे बड़ा रोल रहता है किसी के भी जीवन में, दूसरी तरफ देश के प्रति जो उनकी जिम्मेदारियाँ उनका वो निर्वहन कर रहे हैं। शोक तो हर एक को निभाना पड़ता है, तो देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, बहुत भगवान जैसे हैं, हमें भगवान का स्वरूप लगता है उसका। मैम आपका क्या नाम है? नीतू भट्ट। नीतू जी आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, मतलब एक तरफ अभी माता को उन्होंने मुखाग्नि दी, कंधा दिया, तुरंत बाद जो है फिर भारी मन से जनता के बीच पहुंच गए, वो नम आंखों से जनता के विकास कार्यों को सौगात दे रहे हैं, कैसे देखते हैं?
ये तो है, उनकी भी मदर है, ही इज फीलिंग इट फ्रॉम इनसाइड, बट ही इज़ अ रियलिस्टिक पर्सन, ही नोज हिज ड्यूटीज, सो ही कैनॉट, वो सदमे में नहीं रह सकते, ही हैज़ टू बी बोल्ड एंड ही इज़ डूइंग दैट। इतने सादगी भरे तरीके से जो है उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि हमने देखा है ऐसा कुछ भी दुनिया में होता है तो उस समय जो है राजकीय बड़े बड़े समारोह किए जाते हैं, दुनिया भर से लोगों को बुलाया जाता है, तमाम जो है सरकारी पैसा जो है उसमें खर्च किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ही इज़ अ सिंपल, वेरी सिंपल पर्सन, दैट इज़ वाई ही इज़ मोदी, मिस्टर मोदी, ही इज़ वेरी सिंपल, तो तभी वो प्रधानमंत्री है, तभी उनको लोग लाइक करते हैं। देखिए, जिस सिंपलिसिटी की बात की जा रही है, इस सिंपलिसिटी को मैंने खुद महसूस किया था हाल ही में, आपने देखा गुजरात चुनाव को 2.5 महीने तक हमारी टीम ने कवर किया था, इस दौरान पीएम मोदी के गांव जाना हुआ, उनके छोटे भाई से भी मिलना हुआ जहाँ पर खुद पीएम मोदी की माँ रहती थी, पंकज मोदी के साथ रहती थी, पंकज मोदी जी से हमारा मिलना हुआ था, और इतना सादगी भरा जीवन जो है इनका परिवार जीता है। पंकज मोदी जी से जब मैं मिला तो लगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के भाई हैं, मेरी आज उनसे बात भी हुई, फ़ोन पर पंकज मोदी जी से भी बात हुई, और उनसे जब मैंने पूछा कि अभी एक दिन पहले उनकी माता की कंडीशन को स्टेबल बताया जा रहा था, अस्पताल की तरफ से कहा जा रहा था कि उनकी माता का स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो रहा है, तो उस समय उन्होंने बताया कि रात में जो है वो कंडीशन थोड़ी ज़्यादा बिगड़ी, रात में उनका स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा बिगड़ा और उसके तुरंत बाद जो है 3:30 बजे उनका निधन हुआ। लेकिन बार बार लोगों से जो हम बात कर रहे हैं वो उनकी वही सिंपलिसिटी की बात कर रहे हैं कि कितना सिंपल ये लोग व्यतीत करते हैं। आपको इनके फैमिली के बारे में बता दूं तो जिन पंकज मोदी जी का मैं जिक्र कर रहा हूं वो सरकारी नौकरी में थे, लेकिन अब से कुछ साल पहले ही उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो ली थी, यानी कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 13 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके, उसके बाद जा करके उनके छोटे भाई जो है वो एक छोटी सी मारुति की गाड़ी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है सादगी भरा जीवन इनका परिवार जीता है, जिसकी एग्जाम्पल खुद आज हमने देखी जब उनकी माता का निधन हुआ, कितने सादगी से जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। आइए, यहाँ पर जो और भी लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है, आइए उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही। सर, आज आपने पीएम मोदी की माता के निधन के बारे में सुना होगा जो उनका देहांत हुआ, और उसके तुरंत बाद विजुअल्स देखे होंगे जब पीएम मोदी 8,000 करोड़ के जनता को प्रोजेक्ट सौंप रहे हैं, जनता के कार्य शुरू कर रहे हैं। सर, कितना मुश्किल रहता है किसी के लिए भी, फैमिली मेंबर चला गया और फिर भी जो है वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है जो अपने जो मोदी है जो कितने देश के प्रति कितने अपने निष्ठा और उससे लगन से काम कर रहे हैं। ठीक है, अपनी माता जी के जाने के बाद भी अगर ऐसा कर पा रहे तो बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद इतने सादगी भरे तरीके से जो है वो सब क्रियाएं हो गई, अंतिम संस्कार हो गया, कोई बड़े बड़े जो है समारोह नहीं किए गए, शोक समारोह नहीं रखे गए। ये सही में सहारनीय चीज़ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा सर, क्या नाम है आपका? प्रवीण। प्रवीण जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम फरीदाबाद के रहने वाले। फरीदाबाद के रहने वाले। सर, आज पीएम मोदी की माँ जो है वो हम सबके बीच में नहीं रही, जिन्होंने देश को प्रधानमंत्री दिया, जो आज पूरी दुनिया में एग्जाम्पल सेट कर रहा है, वर्ल्ड लीडरशिप रैंक में पहले नंबर पर है। सर, किस प्रकार देखते हैं, एक तरफ माता का निधन हुआ, अपनी बेटे की जिम्मेदारियाँ निभाई और तुरंत बाद देश को फिर से विकास कार्य सौंपे उन्होंने, देश की जिम्मेदारियों पर लोड। वैसे तो हमने नरेंद्र मोदी जी को शुरू से ही देखा है कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा एक तरफ रखा है और देश की सेवा को ही सबसे आगे रखा है, तो आज भी वो अपनी ये पर्सनल बिग लॉस के बावजूद भी हो सकता है कंटिन्यू करेंगे उसी साहस के साथ। कितना मुश्किल रहता है कोई फैमिली मेंबर चले जाए, और ख़ास तौर पर अगर माँ जो है किसी की चले जाए तो कितने महीनों तक, कितने सालों तक जो है वो उस दुख में रहते हैं, लेकिन वो मुखाग्नि देने के एक घंटे बाद आ गए और आकर के जो है जनता को विकास कार्य सौंपने लगे, इसको लेकर भी कुछ विपक्षी लोगों की तरफ से उनको जो है टारगेट किया जाने लगा? देखिए, वो तो विपक्ष का तो काम ही है टारगेट करना, पर ऐसे मौके पर टारगेट करना बिल्कुल ही गलत है, मुझे ऐसा लगता है। मैम, क्या नाम है आपका? किरण। कहाँ के रहने वाले हैं? मैम, सर डाली के।
दिल्ली के ही रहने वाले। आज पीएम मोदी के माँ के निधन के बारे में आपने खबर सुनी होगी कि वो हमारे बीच में नहीं रही, और दूसरी तरफ ये देखा होगा कि उनको मुखाग्नि देने के तुरंत बाद पीएम मोदी अपने देश के विकास कार्यों पर लौट गए, वो देश की जनता को उन्होंने जो है 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट सौंपे, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को, एक तरफ माँ का नहीं रहना और फिर भी देश के प्रति ऐसी जिम्मेदारियों का लगातार निर्वहन कर? जिम्मेदारी है, एक तरफ उनकी माँ है, एक तरफ उनके देश है, तो अपने देश के लिए भी और माँ के लिए भी दोनों तरफ से अपना काम कर रहे हैं।